और इस आयोजन में योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी को लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। देश के नागरिकों के सम्मुख पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली जिला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूं। और ये पहली बार नहीं था जब सरकार की तरफ से तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि नए कृषि कानून के फायदे किसानों को बताइए। उसके बावजूद भी जो बॉर्डर्स पर किसान हैं, बातचीत के लिए अभी भी तैयार नहीं है। 30 दिन आज आंदोलन को हो चुके हैं।